वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बहुत टाइप की लिथियम बैटरी बनाते हैं और अलग अलग एम्पियर की बनाते हैं। जो स्टार्टिंग हो जाती है लिथियम बैटरी की, 2 एम्पियर से बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि 12 वोल्ट में होती है। जैसे 12 वोल्ट 2 एम्पियर उसको हम बोलते हैं। उसके बाद आती है 12 वोल्ट 4 एम्पियर, 12 वोल्ट 6 एम्पियर, 12 वोल्ट 8 एम्पियर। इसी तरीके से आप 12 वोल्ट में जो है 40 एम्पियर तक बैटरी बनवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने 16 एम्पियर भी बना के दिखाई, 18 भी दिखाई, 30 भी दिखाई। तो फ्रेंड्स, ये पहली एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर की बैटरी बना के दिखाऊंगा, साथ ही पूरा एक कंप्लीट कनेक्शन अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको बैटरी से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना है, जैसे कि स्पेसर, बैटरी, निकल स्ट्रिप, BMS, हीट सिंक ट्यूब, ये सारा सामान हमारे मार्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां से जाके हमारे मार्ट से बाय कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंप्लीट बैटरी बनी बनाई खरीदनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है कनेक्शंस वगैरह का, BMS कौन सा फिट करना है, स्पेसर कितने लगेंगे, तो आप मेरे से इसको बनवा भी सकते हो। उसका भी लिंक मैंने दे दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, आप मेरे से जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बैटरी बना के भेज दूंगा। फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, चाहे वो बैटरी बनवानी हो या बैटरी का सामान खरीदना हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, 7 से 8 दिन में आपके यहाँ पे जो बैटरी पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस बैटरी को किस तरीके से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटरी बनाने के लिए जो सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है, वो होती है बैटरी और स्पेसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 6 बैटरी ले ली है और 12 पीस स्पेसर ले लिए। अब फ्रेंड्स, मैं इन स्पेसर्स को जोड़ के एक बेस बना देता हूँ, और ये होगा 2x3 का, जिसमें 2 बैटरी पैरेलल होंगी और 3 बैटरी सीरीज की जाएंगी। और एक बैटरी है जो 2 एम्पियर की है, पैरेलल हो जाएंगी जब 2 बैटरी, तो ये हमें देंगी 4 एम्पियर। और एक बैटरी की वोल्टेज की बात करूं तो ये लगभग 4 वोल्ट के आसपास पहुंच जाती है चार्ज होने के बाद। और जब हम 3 बैटरी को सीरीज कर देंगे, तो आपको पता है कि सीरीज में जो वोल्टेज जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जुड़ के हो जाएंगे 12 और एम्पियर हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से 6 बैटरी जो लग रही हैं इसमें, उससे जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 12 वोल्ट और 4 एम्पियर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इनको एक पैटर्न में जो है लगाया है, जैसे एक साइड 2 को सीधा, फिर उसके बाद 2 को उल्टा और फिर से सीधा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे वो इजीली हो जाएंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कनेक्शन करने के लिए करनी होगी सोल्डिंग। तो सोल्डिंग अच्छे से हो, इसलिए मैं यहाँ पे जो थोड़ी सी स्क्रैच कर लेता हूँ स्टोन रोटरी से। इससे क्या होगा कि अपनी जो सोल्डरिंग है अच्छी तरीके से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सबको रब कर लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिक्विड फ्लक्स लगा देता हूँ सभी पॉइंट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिक्विड फ्लक्स लग चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को लगाना है सोल्डर, जिससे क्या होगा कि बहुत आसानी से हम निकल स्ट्रिप को इसके साथ लगा पाएंगे, वरना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा सोल्डर खर्च हो जाता है और इतना सफाई से काम नहीं हो पाता है। अब फ्रेंड्स नीचे की साइड भी जो टर्मिनल्स हैं उन पर भी मैं सोल्डरिंग कर लूँगा, यहाँ पर जितने भी टर्मिनल्स हैं सब पे मैं जो है सोल्डरिंग कर लूँगा। अब फाइनली फ्रेंड्स सोल्डरिंग होने के बाद हमें लगानी है निकल स्ट्रिप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं निकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ, कई सारे पीस हमें कट करने होंगे, 10 से 10 पीस तो मान ही लो, 6 हाँ मान लो, इतने तो लग ही जाएंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना है। और यहाँ पे कट करने के बाद जो है मैं इसको देखिए यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो अभी जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ना, ये पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ। पैरेलल में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास और नेगेटिव नेगेटिव एक पास। तो सभी बैटरी के देखिए, ये मैंने पॉजिटिव 2 बैटरी एक साथ पॉजिटिव की है, फिर उसके बाद 2 को नेगेटिव एक साथ कर दिया है, फिर 2 के पॉजिटिव को एक साथ में कर रहा हूँ। इस तरीके से जो अपने सारे कनेक्शन हैं हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आपको ना कोई लूज़ कनेक्शन वगैरह नहीं छोड़ना है, और जितना जल्दी हो सके ना फ्रेंड्स इसको आप शोल्डर आयरन से डिसकनेक्ट कर दो, बैटरी को अलग कर लो शोल्डर आयरन, जिससे बैटरी की लाइफ बची रहती है, वरना बैटरी ख़राब हो जाती है। इसको ज़्यादा देर तक हम हीट करके रखते हैं, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर जो पहले ही शोल्डरिंग कर ली थी, ताकि बहुत जल्दी जो अपना शोल्डर मेल्ट हो जाए और निकल स्ट्रिप अच्छी तरीके से जल्दी चिपक जाए। और आप चाहो तो यहाँ पे आपके पास हो तो स्पॉट वेल्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास स्पॉट वेल्डिंग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, तो इस वजह से वो मैंने नहीं ली, जल्दी हम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है शोल्डर करके ही काम चलाया है, हालांकि ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है अगर आपका शोल्डरिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मेरे को 7 से 8 साल हो गए शोल्डरिंग करते करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत जल्दी अच्छी तरीके से शोल्डरिंग कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स सोल्डरिंग कर लेनी है। अब करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है सीरीज के कनेक्शन। सीरीज में देखिए, मैंने इसको 12 वोल्ट माना, उसके बाद इस बैटरी का वोल्टेज हो गया 3। अब इन दोनों बैटरी को मैं आपस में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे हमें जो 6 वोल्ट मिलने लग जाएंगे, एक के पॉजिटिव को दूसरी के नेगेटिव के साथ।
और यहाँ पे मैं इसको शोल्डर कर लेता हूँ। ये देखिए मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे शोल्डरिंग होने के बाद फ्रेंड्स हमें दूसरी साइड भी करनी होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये हो गई यहाँ पे। अब करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ से इस टाइप से फ्लो होते हुए इधर आएगा। अब इन दोनों को हमें आपस में शोल्डरिंग कर लेनी है। तो ये बच जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट के लिए। तो मैं इधर की साइड भी शोल्डरिंग कर देता हूँ और यहाँ पे जो अपने सारे जो है कनेक्शंस हो चुके हैं बैटरी के सीरीज और पैरेलल, यहाँ पे आप देख लो मैंने इसको प्रॉपर कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स हमें इसमें लगाना होगा BMS। तो BMS उसमें जो लगेगा ना फ्रेंड्स वो लगेगा 10 एम्पियर का। बैटरी 4 एम्पियर की है तो इसमें 10 एम्पियर वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं BMS भी आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं इसको जो अच्छी तरीके से यहाँ पे चिपका देता हूँ निकल स्ट्रिप को, कोई लूजिंग नहीं छोड़नी और अच्छी तरीके से यहाँ पे शोल्डरिंग वगैरह कर लेनी है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह हैं मैं सभी पे अच्छी तरीके से शोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर इसका जो आपको वोल्टेज चेक करके बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कर दूँ। देखिए ये माना मैंने नेगेटिव को 0, पहली बैटरी का नेगेटिव। अब यहाँ पे आया फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे बनेगा अपना 3 वोल्ट, ये देखिए 3 वोल्ट। अब फ्रेंड्स दूसरी बैटरी इसके साथ सीरीज में, ये बैटरी इसके साथ जुड़ी हुई है और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो है 7.9। अब ये दो बैटरी आपस में जुड़ी हुई हैं तो फ्रेंड्स अब इसका वोल्टेज भी जुड़ जाएगा 3 वोल्ट। 7.9 प्लस 3 वोल्ट अप्रॉक्स ये पहुँचेगा 12 वोल्ट के आसपास, 11.88 वोल्ट यहाँ पे जो है आ रहा है। एकदम अच्छी तरीके से कनेक्शन हो चुके हैं और मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो कि BMS के ऊपर भी वोल्टेज डले हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 7.4 वोल्ट और 12 वोल्ट इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे BMS को चिपका लेना है और मैंने आपको वोल्टेज दिखाई दिए, हर वोल्ट को उसी हिसाब से चिपका देना है। 0 वोल्ट पे यानी पहली बैटरी का नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं पहली बैटरी के नेगेटिव को 0 वोल्ट के साथ सोल्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रेड कलर का वायर यूज़ कर लिया, हालांकि नेगेटिव में ब्लैक होता है, यहाँ पे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अंदर चला जाएगा। आप जौन से कलर का चाहो वो कलर यूज कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं फ्रेंड्स 3.7 वोल्ट वाला वायर जो है कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये 3.7 वोल्ट का वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट करेंगे 7.4 वाला वायर कनेक्ट। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 7.4, ये वाला जो पॉइंट है इधर से जो है तीसरी बैटरी के नेगेटिव और दूसरी बैटरी का जहाँ पे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है वहाँ पे मैं इसको 7.4 के वायर को लगा देता हूँ। यहाँ पे फाइनली 7.4 का भी वायर लग चुका है। अब बचता है हमारे पास लास्ट वायर जो कि 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे मैं इसे 12 वोल्ट के लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव है जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का वायर यूज़ कर लिया, हालांकि ब्लैक कलर नेगेटिव के लिए यूज़ होता। तो यहाँ पे मैं इसको फाइनली शोल्डिंग कर देता हूँ। और फ्रेंड्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव है 0 और 12 वोल्ट यहाँ पे ही अपना सारा लोड होता है, तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के मोटे वायर यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो BMS पे लिखा हुआ है P- और P+, ये होते हैं पावर के लिए, पावर इनपुट और आउटपुट दोनों यहीं से होंगे। तो यहाँ पे मैं 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ इससे इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। और यहाँ पे अपनी बैटरी जो कंप्लीट हो चुकी है इसके कनेक्शंस वगैरह, अब इसके ऊपर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा के, ये मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है जिससे कि अपनी हीट सिंक इसमें अंदर की साइड नहीं जाएगी और इंसुलेशन भी डबल लेयर हो जाएगा, हीट सिंक का 2 लेयर हो जाएगा और कार्डबोर्ड का भी, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फायदे हैं। तो यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड लगा देता हूँ। ये मैंने 2 साइड ऊपर और नीचे की साइड से इसको कार्डबोर्ड से कवर कर दिया है और पेपर टेप लगा के इसको यहाँ पे प्रॉपर चिपका देता हूँ। ये यहाँ पे जो मैंने पेपर टेप लगा के इसको चिपका दिया है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर चढ़ानी होगी हमें हीट सिंक ट्यूब। अब यहाँ पे मैं हीट सिंक ट्यूब चढ़ा रहा हूँ और ये 170 mm की हीट सिंक ट्यूब है फ्रेंड्स, और ये भी हमारे मार्केट में बहुत साइज में अवेलेबल है, अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में, आप जौन सा लेना चाहो ले सकते हो। मैंने सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल इन वन सामान हमारे पास बैटरी से रिलेटेड, चाहे स्पेसर हो, निकल स्ट्रिप हो, सारा सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपनी हीट सिंक ट्यूब को चढ़ा रहा हूँ और फ्रेंड्स ये हॉट एयर गन भी मिल जाएगी। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को कि हॉट एयर गन कहाँ से लेंगे, तो ये भी मिल जाएगा। मतलब बैटरी बनाने का पूरा सामान, टूल्स वगैरह, फ्लक्स वगैरह, सोल्डरिंग आयरन, सब कुछ हमारे मार्केट पे अवेलेबल है, आप जाके एक बार से विजिट करके बाई कर सकते हो। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से 170 mm की यहाँ पे चढ़ चुकी है। अब मैं इसका जो ऊपर की साइड से भी चढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ इसमें से फिर थोड़ा सा 170 mm की, और यहाँ पे मैं इसको जो चढ़ा देता हूँ, फिर आपको इसका फाइनली रिजल्ट दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैटरी बनके एकदम कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों साइड से यहाँ पे हीटिंग हीट चढ़ चुकी है। इसकी पावर की बात करें तो ये है फ्रेंड्स 12 वोल्ट और 4 एम्पियर की। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, एज आ वाईफाई रोटर भी यूज़ कर सकते हो, किसी टॉर्च वगैरह में भी लगा सकते हो जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं, या आप इसको एज आ UPS भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपका मन वहाँ पर आप लगाइए। तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 11.8 जो कि एकदम सही है, और ये फुल चार्ज होने के बाद 12 पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।